दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं। करंट अकाउंट की सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इस अकाउंट को ओपन करना है, कहां से ओपन होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, ये वीडियो खास इसलिए भी है, पेटीएम करंट अकाउंट इसलिए भी कुछ खास है क्योंकि दोस्तों बाकी बड़े बैंकों के मुकाबले पेटीएम यहां पे आपको कुछ सर्विसेज दे रहा है जो काफी बढ़िया सर्विसेज है। स्पेशली दोस्तों, अगर कोई छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेस वाले या मीडियम बिजनेस क्लास जो है अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज करेगा तो उनको काफी फायदा होने वाला। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके सबसे पहले। सबसे पहले दोस्तों, हम यहां पे बात कर लेते हैं इस करंट अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, बेनिफिट जो सबसे एकदम महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप किसी बड़े बैंक में जाते हैं तो करंट अकाउंट में मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपए तो रखने ही पड़ते हैं जिसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो करंट अकाउंट है एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट है, जैसे उसका सेविंग अकाउंट है। जीरो बैलेंस अकाउंट होने की वजह से दोस्तों कोई भी हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस अकाउंट में। इंस्टेंट पासबुक की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलती है और साथ में दोस्तों नेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों IMPS और NEFT भी इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट अपने नाम से खुलवाते हैं तो आप वहां पे FD भी कर सकते हैं और FD का इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप अपने किसी भी नजदीक के BO एजेंट के पास जाके कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स है पेटीएम के करंट अकाउंट के। दोस्तों, स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस के लिए भी यहाँ पे कुछ खास है। सबसे पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, जीरो बैलेंस अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जो छोटा दुकानदार है वो बड़े ही आराम से इस अकाउंट को खुला पाएगा और यूज कर पाएगा। और दोस्तों, इसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है इस अकाउंट के, जैसा बड़े बैंकों में होता है कि हमें मेंटेनेंस चार्जेस भी मंथली या क्वार्टरली देने पड़ते हैं या ईयरली देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। एक ही दिन में दोस्तों आप अनलिमिटेड टाइम डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, इस अकाउंट से कोई लिमिट नहीं है। और उन दुकानदारों के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है जिनके पास ज्यादा कैश फ्लो है, यानी कि जिनके पास ज्यादा कैश आता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स कम आते हैं, तो उनके लिए काफी बढ़िया ये अकाउंट साबित होने वाला है। ग्राहक का बैलेंस दिन के आखिर में 1,00,000 रुपए से ज्यादा होने पर पार्टनर बैंक के करंट अकाउंट में उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राहक कभी भी उस बैलेंस को वापस अपने पेटीएम बैंक के अकाउंट में जोड़ सकता है जरूरत पड़ने पर। दोस्तों, बड़े कॉर्पोरेट्स भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट को ओपन कर सकेंगे। वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इसी से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल पेमेंट्स की भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। हालांकि ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि उनके अकाउंट की लिमिट कितनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर कॉर्पोरेट कोई इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है तो उनके लिए 1,00,000 रुपए लिमिट काफी छोटी है। तो मेरे हिसाब से जो कॉर्पोरेट अकाउंट होंगे उनकी जो लिमिट होगी वो 1,00,000 रुपए से कहीं ज्यादा होगी, मे बी हो सकता है वो 5,00,000 रुपए होगी। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक मिडिल क्लास और एक स्मॉल बिजनेसमैन की। दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के करंट अकाउंट को ओपन करने की प्रक्रिया काफी सिंपल है। सबसे पहले तो आपको PPBL एजेंट के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP के बाद दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट होगा। वहां पे आपसे डिटेल पूछी जाएगी, आप प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है। तो ये सारी डिटेल्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने शॉप के अपने बिजनेस के उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, अपनी ID प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। एक बात दोस्तों और ये ध्यान रखने वाली है, जो लोग अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं पेटीएम में, उनकी पेटीएम में KYC होनी जरूरी है। अगर आप पहले से ही कोई पेटीएम वॉलेट या पेटीएम का सेविंग बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो आप चाहे तो उसी नंबर को अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें आपको सुविधा हो जाएगी, आपकी KYC दोबारा से कंपनी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई पार्टनर है, उन डॉक्यूमेंट्स पे जो दिए जाएंगे सबके सिग्नेचर होने जरूरी है और सबकी पेटीएम KYC कंप्लीट होनी जरूरी है, तभी आपका अकाउंट की जो प्रोसेसिंग है वो आगे तक जा पाएगी और आपका करंट अकाउंट ओपन हो सकेगा। दोस्तों, अभी पेटीएम करंट अकाउंट को ओपन करने की सुविधा BC एजेंट्स को नहीं दी गई है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो या तो आपको पेटीएम के ऑफिस जाना पड़ेगा और या फिर दोस्तों इनका एक ऑनलाइन फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए। पेटीएम की तरफ से आपको खुद कॉन्टेक्ट किया जाएगा और एजेंट आपके पास आएगा, आपका करंट अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया को वहां पे पूरा कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके।
सके। स्पेशली दोस्तों जो छोटे बिजनेसमैन है, मीडियम क्लास के बिजनेसमैन है, उनके लिए पेटीएम करंट अकाउंट बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए।